आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का तल्लक खित्ता आज़ाद कश्मीर उस पार के कश्मीर और इज्तमाही तौर के ऊपर मसला कश्मीर के साथ जुड़ा है। इसमें पाकिस्तान, भारत, इसमें आज़ाद कश्मीर के अवाम, मकबूजा कश्मीर के अवाम समेत मीडिया के ऊपर किस तरह की पाबंदियाँ शुरू हुई, क्यों रुकनीत ख़त्म की गई, किस तरह के कानून आ रहे थे, इसके पीछे मकासद क्या थे, बिलखसूस और बिलमूम आज़ाद कश्मीर और ओवरऑल मकबूजा कश्मीर का स्टेटस कैसे बदलने जा रहा है, नया नक्शा कैसे होगा, क्या अब कॉलोनी बनेंगे, एक खुद मुख्तार छोटी सी रियासत बनने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे वकील पाकिस्तान ने और काबिज भारत ने आपस में किस तरह की रजामंदी जाहिर की है और इसके ऊपर क्या कश्मीरी जो हैं वो इस बात को कबूल करेंगे, और जब भारत की जानिब से उसकी बड़ी अदालत की तरफ से एक हाल ही में फैसला सुनाया गया तो रिएक्शन क्यों ना आया, क़यादत मर गई, क़यादत जेल में चली गई, क़यादत खामोश हो गई, आखिरकार क़यादत का फुकदान, कश्मीरी अवाम ये कहाँ खड़े हैं। आज के इस अहम गोरखधंधा में मसला कश्मीर और उसकी नौइयत के ऊपर बात करने के हवाले से आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी काशिफ मीर साहब हमारा साथ देंगे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम एक नहायत ही सेंसिटिव और अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बतौर सहाफ़ी आज़ाद खित्ता में तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में बैठते हुए क्या मुझे बता सकते हैं कि आप आज़ादी के तौर के ऊपर आज़ाद रहते हुए आज़ादी से सहाफत कर रहे हैं? कृषि साहब, मैं चूँकि वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 13-14 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, और दरमियान में तकरीबन 4 साल में मुजफ़राबाद में एक टेलीविज़न चैनल के साथ रिपोर्टिंग करता रहा। तो आज के अगर हालात देखें तो ये हमारे लिए जो मीडिया के लिए जो स्पेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो आज़ादी ना इधर पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज़म में है, ना आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप प्रैक्टिकली ये कहें कि हमें अल्फाज के चुनाव का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है और स्टोरीज़ का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि हम क्या स्टोरीज़ कर रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या आ सकता है। तो ये है कि मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में जो जर्नलिज़म है ये बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मीर साहब, मैं जमहूरी मुल्क में बैठा हूँ, मैं भी आपका कश्मीरी भाई हूँ, मैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं सकता मैं जिस मर्जी अल्फाज का शरी एतबार से और जमहूरी एतबार से और हलाकी तौर पे चुनाव करूँ, आखिर आप लोगों के ऊपर ऐसे क्यों अमल अमाल किए गए? देखें, आप जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पे कोई कानून होंगे, कोई रवायात होंगी जिनके ऊपर चला जाता होगा। तो हम थर्ड वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि एक ही स्क्रीन में आप और मैं दोनों नज़र भी आ रहे हैं सामेईन को, लेकिन हम दोनों की कैफियत अलग है। आपको ये ख़तरा नहीं हो सकता कि एक घंटे के बाद या इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के फौरी बाद क्या रिएक्शन आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये इदराक ज़रूर होता है कि आया इसका रिएक्शन क्या होगा, हमने जो सच है इसको कहाँ तक बयान करना है। तो ये थर्ड वर्ल्ड के ये मिसाइल हैं, और ख़ासकर जिस रीजन के अंदर हम मौजूद हैं तो यहाँ पे मीडिया न पाकिस्तान में आज़ाद है, ना इंडिया में आज़ाद है, और ना ही हमारे करीब तरीन जो चीन है उसके अंदर आज़ाद है। तो जिस रीजन में हम हैं तो मजमूई तौर पे ये कोई मीडिया की आज़ाद मीडिया का या इजहार जो आज़ादी का जो जो माशरा है इन ममालिक के अंदर मौजूद नहीं है। तो मीर साहब, फिर किसी कौम को, किसी खित्ते को कंट्रोल करना हो तो सबसे पहले उसकी जो आंखें होती हैं उनको अंधा किया जाता है, मेरी मुराद सहाफ़ी, मेरी मुराद मीडिया है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो नया कानून आया डेफेमेशन कानून जिसको लाने की कोशिश की जा रही है और फिर सहाफ़ी जो हैं उनकी रुकनीत ख़त्म हो रही है, क्या ये किसी सिलसिले की कड़ी है? देखिए, जो कानून लाया जा रहा है जिसको हम काला कानून कहते हैं, जो मीडिया के ऊपर कदगन लगाने का जवाब जो बनेगा, तो वो असम्बली के अंदर पेश कर दिया गया। इस वक्त आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फारवर्ड ब्लॉक है जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। तो जो बिल बेसिकली जो लाया गया ये बेसिकली ना सिर्फ ख़बर के ऊपर लाया गया बल्कि इजहार राय के ऊपर भी लगाया गया कि आपकी जो तनकीद है उसको भी जो महर्र है, जो थानेदार है, वो तय करेगा कि ये आज़ादी
जो इज़हार के ख़िलाफ़ है, ये किसी की साख मुतासर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस हद तक का जो कानून है, जो आपकी राय के ऊपर भी मुसल्लत हो, जो कदगन आपके ऊपर लगा सके, जो आपको उस बुनियाद पे कई कई मार तक गिरफ्तार कर सके, आपको सज़ाएँ दिला सके, तो ऐसे माशरों के अंदर कभी भी जो हकीकी जो ख़बरें हैं वो सामने नहीं आ सकती। तो हम तो पहले ही कहते थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो खिता हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो रही, बहुत ही कमी है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बहुत से लोग हैं कि जो सच की राह के ऊपर चलते हैं, जो ख़बर देते हैं, जिनकी खबर का वज़न होता है, तो उनको भी रोकने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। तो हम इसके हरगिज़ खिलाफ नहीं है कि आप किसी की पगड़ी उछालें, किसी को ब्लैकमेल करें, लेकिन ये भी किसी को इजाज़त नहीं हो सकती कि आप किसी शहरी को, किसी साफी को उसके इजहार पे आप पाबंदी लगा दें, और आपकी ये चॉइस हो कि आप का मनपसंद जो कानून है, आपकी ये चॉइस हो कि आप किन अल्फाज को साख मुतासर करने वाला, तोइन करने वाला गर्दाने और किन को आप छोड़ दें। तो ये पिक एंड चूज़ की जो पॉलिसी है ये कभी भी ठीक नहीं रही, और जिन लोगों ने ये कानून आज ही नहीं, राजा फारूक हैदर साहब के दौर में भी बनवाने की कोशिश की, और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त भी हमने देखा कि उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि ये कानून इम्प्लीमेंट हो सके। फिर सदा तनवीर इलियास खान साहब का दौर आया तो उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि ये कानून लाया जा सके। तो अब हमारी उस वक्त कोशिश ये थी, चूँकि उस वक्त गवर्नमेंट में हम खुद भी मौजूद थे, हमारी कोशिश ये थी कि जो भी ड्राफ्ट तैयार हो तो उसके अंदर साफ्ती कम्यूनिटी की मशावरत हो, और जो रजामंदी शामिल हो, और ऐसी चीज़ों से बचा जा सके कि जो कल नुकसानदेह हों। मीर साहब, ये जो कानून है, ये जो पाबंदियां हैं, जो आज़ादी इजहार राय के ऊपर मजीद कदहन लगाई जा रही है, बकौल आपके कि आपको हो सकता है एक पुलिस अफिसर से, थानेदार से पूछ के खबर लगानी पड़े, इसका तल्लक मसला कश्मीर और ओवरऑल कश्मीरियों के साथ है कुछ? देखे, ये जो कानून लाया जाता है ये बेसिकली मसला कश्मीर के साथ जोड़ के नहीं लाया जाता, ये यहाँ पे मकामी तौर के ऊपर लाया जाता है। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट हैं, अगर दूर रस जो इसके नतायज हैं, वो मसला कश्मीर के ऊपर भी पड़ते हैं कि आप लोगों की से जब राय का इजहार करना छीन देंगे तो लोग ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो मामलात हैं, जिस तरह से मसला कश्मीर है, इसके ऊपर डिबेट है, पाकिस्तान का रोल है, हिंदुस्तान का रोल है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का, यहाँ की सियासी लीडरशिप का जो रोल है, जब आप इसके ऊपर भी बात करेंगे तो ये कवानीन वहाँ पर भी आड़े आते हैं। आपने ये ज़रूर खबर देखी होगी कि गुज़िश्ता रोज़ नीलम प्रेस क्लब के सदर की रुकनियत, एक प्रेस फाउंडेशन, एक फ्लाई अदारा है, उसने मनसूख कर दी। तो ये हैरान कुन है, पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी सारे लोग परेशान हैं कि एक प्रेस क्लब के सदर की, प्रेस क्लब की रुकनियत भी एक नीम सरकारी जो अदारा है प्रेस फाउंडेशन, वो मनसूख करता है। तो कदगन है, तो आप देखें कि हर मौके के ऊपर मौजूद हैं। हमने देखा आज़ाद कश्मीर में ये अनवारुल हक साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने फौरी तौर के ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू की। कई अखबारात जिसमें मैं काम करता हूँ, जिस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, इसके बाद उन्होंने दीगर अखबारात और मीडिया हाउसेज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाईं। कई पाबंदियाँ अभी तक जारी हैं, कई में कुछ थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ये जारी है। ये जो रवैये हैं बेसिकली, ये किसी एक हुकूमत के नहीं है या हम सिर्फ अनवारुल हक को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, ये बेसिकली एक पॉलिसी है जिस स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं। ये कोई मुल्क नहीं है, ये कंट्रोल्ड इलाका है। यहाँ की जो अपने मुकामी जो निज़ाम है उसके तहत भी पाबंदियाँ लगती हैं, और इसके अलावा जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं तो उनकी भी ख्वाहिशात हमेशा रहती हैं कि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। सवाल पूछने के बाद मसला कश्मीर और उसकी नई हैसियत के ऊपर आ जाएंगे। नीलम प्रेस क्लब के जिस सदर को जिस फाउंडेशन ने फारिग किया, आखिर ये इख्तियार इस प्रेस फाउंडेशन को किसने दे रखा है कि एक सहाफ़ी की बतौर प्रेस क्लब का सदर होते हुए रुकनियत ख़त्म कर दें, जिसकी मैं और हम सब मज़म्मत करते हैं? देखें कुरैशी साहब, आज़ाद कश्मीर में प्रेस फाउंडेशन का इदारा तकरीबन एक डेढ़ दहाई कबल वजूद में आया था। इसके बनने के जो मकासद थे वो बेसिकली साफियों की फलाह बहबूद के थे, वो इनके बच्चों को मराद देने के थे, वो अगर कोई लोग मर जाएं तो उस बुनियाद पे सरकार की तरफ से उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के थे, उनके बच्चों की तालीम के लिए थे। लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती गई। जो आपके नॉलेज के लिए और सामने के लिए मैं बताता जाऊँ कि इसके जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो एक आज़र सर्विस
जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो है, और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी इतलात होते हैं या डायरेक्टर जनरल इतलात होते हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, और वाइस चेयरमैन देखिए जिन लोगों ने ये इसके रूल्स बनाए प्रेस फाउंडेशन के उन्होंने मुनासिब समझा कि चूंकि साफियों की प्रोटेक्शन कोई नहीं होती तो हम इसका चेयरमैन एक हाजर सर्विस जज को लगा दें, तो इस वजह से जो दीगर जो केसेस होते हैं साफियों के ऊपर लगे ही रहते हैं, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा, साफी थोड़ा सा तवाना होंगे उनकी। मेरा ख्याल है कि नीयत इस हद तक तो ठीक थी कि एक जज जब चेयरमैन होगा और वाइस चेयरमैन साफियों की तरफ से इलेक्ट करता होगा, और जिस तरह से एक सेमी गवर्नमेंट अदारा काम करता है ये वैसे काम करेगा, लेकिन हमने ये देखा कि वक्त के साथ ही इस इदारे के ऊपर ऐसे इस इदारे के तहत ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए कि तमाम रियासत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के और तहसील के प्रेस क्लब थे सबसे पहले तो उनको रजिस्टर्ड किया गया कि ये सारे रजिस्टर्ड होंगे, जब अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हम इनकी जो इनको के लिए ज़मीनें नहीं मुहैया हो सकेंगी, इनकी तामीरात नहीं हो सकेंगी, जो दीगर जो फैसिलिटीज़ होती हैं जिस तरह से कंप्यूटर की इंटरनेट की ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकेंगी, इसलिए उनको मजबूर किया गया कि आप प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड कराएं, जो जो रजिस्टर्ड हो गए तो उसके बाद प्रेस फाउंडेशन ने उनको कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदी लगा दी कि जी अब आपके जो इलेक्शन है वो भी प्रेस फाउंडेशन कराएगी, आपके इलेक्शन कमिश्नर का इनाकाद भी, आपके इलेक्शन भी प्रेस फाउंडेशन कराएगी। तीन इलेक्शन होंगे पूरे आज़ाद कश्मीर के सहाफियों के क्लब्स के। जी बिल्कुल ऐसे ही था, और जो सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो पहले उसकी भी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की गई वो नहीं हुआ, इसीलिए उसके इंतखाबात नहीं हुए, वो आगे 7 जनवरी को होने जा रहे हैं। तो बाकी जो जो इदारे रजिस्टर्ड हुए अब उनके साथ यही मिसाइल होंगे कि जिस तरह से उस्मान तारिक हैं नीलम से, जिनकी रुकनियत को एक नाजायज़ तरीके से गैर अखलाकी तरीके से ख़त्म किया प्रेस फाउंडेशन ने, तो वो एक डिबेट ज़रूर चल पड़ी है कि आया इस तरह के इदारे प्रेस क्लबों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मेरी तो राय है कि प्रेस फाउंडेशन का ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि वो साफियों के इदारों पे के हवाले से कानून बनाए, उन पर पाबंदियाँ लगाएं, वो प्रेस क्लब के इलेक्शन कराएं। हाँ इस हद तक का ठीक है कि आप साफी जो मेंबर हैं आपके आप उनकी मराहत के लिए काम करें और उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं वो करें। मीर साहब आखिरी बार मसला कश्मीर के बारे में और बॉर्डर लाइन के ऊपर होने वाली हरकत के बारे में कब खबर दी और क्या आपको इजाजत है कि वहां से रिपोर्टिंग कर सकें? देखिए मसला है कश्मीर के ऊपर बात करने पे तो अमलन कोई कदगन नहीं है, एक स्टेट की पॉलिसी भी है कि कश्मीर के ऊपर जो स्टेट की मनपसंद जो बयानात हैं जो खबरें हैं वो दी जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर सकूँ। मीर साहब बतौर कश्मीरी सहाफ़ी आपने क्या महसूस किया और आखिर इसकी क्या वजह थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना उस पार कोई रिएक्शन आया ना तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के अंदर से उस तरह का रिएक्शन आया? देखिए कृषि साहब ये बदकिस्मती है कि जब कुछ पावर्स मिलके ये तय कर लेती हैं कि हमने इस मसले का हल इस तरह से करना है तो फिर रिएक्शन करने वाले लोगों को भी उसी तरह से खामोश करा दिया जाता है। अब जिस तरह से भारतीय जो दोनों ऐवान हैं पार्लियामान के उन दोनों ने जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया, उसको भारत की शाहराह करार दे दिया, यूनियन टेरिटरी बनाया, उसमें कश्मीर वैली को अलग से रखा, और सुप्रीम कोर्ट का भी फिर ऐसे ही मिलता जुलता हमने फैसला देखा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके जो दोनों ऐवान थे उनकी जो जम्मू कश्मीर के स्टेटस के हवाले से जो कार्रवाई थी उसके ऊपर मोर शब्द करते हुए उसको भारत का हिस्सा बना दिया, उनकी ज़बान में उसको अटूटंग बना दिया। अब उनके न सिर्फ आइन का हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो उनके ज़ेर कब्ज़ा है बल्कि उन्होंने अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया है, उन्होंने यूएन की रेजोल्यूशंस को नहीं देखा, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन मुतवक्को था या किया जाना था तो वो ना हमने 5 अगस्त 2019 के बाद देखा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के इस भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में देखा। इसी तरह से जब हम देखते हैं मकबूज़ा कश्मीर के अंदर भी तो वहाँ पे भी एक सन्नाटा छाया हुआ नज़र आता है।
तो लग यही रहा है कि शायद ये चीज़ें खामोशी से कबूल कर ली गई हैं, ऐसा खदशा का इजहार किया जा रहा है कि ये चीज़ें कबूल कर ली गई हैं। कृषि साहब, आपको अगर याद हो कि जनरल मुशर्रफ के वक्त का एक फार्मूला तय पाया था मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ के दरमियान रियासत की तकसीम का, अब लोग यहाँ पे ये बात कर भी रहे हैं, सरगोशियाँ भी हो रही हैं, खुले अल्फाज में बात भी हो रही है कि उस फार्मूले के ऊपर यहाँ पे अमल भी किया जा रहा है। वो फार्मूला यही था कि लद्दाख जम्मू भारत का हिस्सा होंगे, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन जाएगा, आज़ाद कश्मीर और जो वैली है ये एक डफर स्टेट के तौर के ऊपर काम करती रहेंगी, जो मिल्ट्री है वो कम कर ली जाएगी दोनों तरफ से। लेकिन अब अभी आपके हालात जो हम देखते हैं, उस फार्मूले पे भारत ने तो न सिर्फ अमल किया बल्कि उस फार्मूले से बढ़ के उन्होंने जम्मू कश्मीर को निगल लिया। मीर साहब, मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ का फार्मूला था कश्मीर को डफर स्टेट बनाना। हाँ, वो तो वैली और आज़ाद कश्मीर को डफर स्टेट बनाना चाह रहे थे ना। तो अभी हमने ये देखा कि आज़ाद कश्मीर की तरफ तो अभी कुछ स्टेटस तब्दील नहीं हुआ, लेकिन मकबूजा कश्मीर को डफर स्टेट से भी डाउन करके भारत ने जम कर लिया और उसको यहाँ पे ऐसे लग ही रहा है कि कबूल कर लिया गया है कि जी ठीक है, आपने जो कर लिया, हम एक रस्मन नशिस्तें करेंगे, बयान दागेंगे और इस बात को ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ अभी अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें और आज़ाद जम्मू कश्मीर या कश्मीरियों की तरफ देखें कृषि साहब, तो यहाँ पे भी हमें एक बिल्कुल सन्नाटा नज़र आता है। और आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक अजलास हुआ इस फैसले के बाद जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं अनवारुल्लाह काकड़, वो गए, कश्मीरी रहनुमाओं के साथ उनकी नशस्तें भी हुई, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि एक तवाना जो आवाज़ थी वो ना आज़ाद कश्मीर से हमें नज़र आई, ना ही हमें पाकिस्तान से वैसी कोई तवाना आवाज़ नज़र आई। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो उसके अहम सियाक व सबाक में से जो पहला नुक्ता है वो ये है कि उन्होंने नक्शा खींच दिया है, मैप बना दिया कि कश्मीर पूरे का पूरा जो है ये पाकिस्तान को कितना मिलेगा, ये एक वैली और आज़ाद कश्मीर को मिला के एक कॉलोनी कैसे बनाई जाएगी और भारत के पास कौन कौन से इलाके रहेंगे, लद्दाख और सारे। आप सही ऐसे ही कह रहे हैं? देखें, भारत ने तो ना सिर्फ वो नक्शा खींच बल्कि वो नक्शे पर मोर शब्द कर दी है कि जो उसके पास हिस्सा था वो तो उसने जम कर लिया। अब वो उसने यूएन रेजोल्यूशंस या पाकिस्तान के साथ तनाज़ा या कश्मीरियों की मूवमेंट, वो तो उसने सारी ताकत के ज़ोर के ऊपर अपने पार्लियामेंट के ज़रिए उसने वो तो दबा ली। लेकिन आप ये भी याद रखें कि भारत का आज़ाद कश्मीर और जीबी से जो क्लेम है वो अब आपको ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा, वो हमेशा से ये क्लेम करता रहेगा कि ये हिस्सा हमें दें, तो इसके ऊपर नेगोशिएट फिर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमें एक माशी तौर पे, एक सियासी तौर पे इंतहाई कमज़ोर पाकिस्तान नज़र आता है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर रहा है। अब भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ पे भारत इस कदर जुल्म कर रहा है कि हमारे 1 लाख से ज़्यादा जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो चुके, उसके बावजूद जो वहाँ की जो तहरीक थी वो थम नहीं रही थी और वहाँ पे ताकत का बहुत बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त एक प्रेशर कुकर के तौर के ऊपर तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो मुंतज़िर हैं कि जो उनके जो मावन हमेशा से रहा पाकिस्तान, वो उसकी तरफ निगाहें डाले देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या पॉलिसी सामने आती है। तो वो प्रेशर कुकर तो तैयार है, लेकिन इस तरफ की जो खामोशी है ये बिल्कुल ठीक है। भारत ने रियासत के तौर के ऊपर और रियासत के अंदर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया और जो भारत अपने इरादे बना चुका है उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, और पाकिस्तान की खामोशी और आर पार की क़यादत की खामोशी कश्मीरियों की, क्या ये दुरुस्त बात मैं कह रहा हूँ कि शिमला माहिदा और अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो नया फार्मूला है उसके तहत अगर अमल किया गया तो? देखें कुरैशी साहब, ये तो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जो क़रारदादें हैं जिनका जिक्र हमारे सियासी लोग भी करते हैं, ये बेमानी हैं। ये बेसिकली हम सब लोगों ने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये उन क़रारदादों का सहारा ले रखा है। प्रैक्टिकली अक़वामे मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी क़रारदादें वैल्यू रखती हैं, न कि जनरल असम्बली की। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मसला कश्मीर के ऊपर तो ना कोई डिबेट है
और ना ही उसके अंदर कोई ऐसा कोई केस ही सरसे के अंदर गया है। अगर जाएगा भी तो जो वीटो पावर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान के पास, पाकिस्तान इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि पहले अमेरिका किसी हद तक पाकिस्तान का इस मसला कश्मीर के हवाले से साथ देता था, उसने देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अब भी कहीं ना कहीं पे मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो 4 दीगर जो ताकतें हैं वो तो इस मसले में हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं। वो कभी जहाँ पे मीर साहब आप पाकिस्तान और भारत को हम दोष दे रहे हैं या उनके इरादों को हम सामने ला रहे हैं, वहीं पे चीन की क्या हैसियत है मसला कश्मीर के हवाले से, उसे कौन सा हिस्सा मिलेगा? देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो इस वक्त जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, ये फार्मूला तो हमें आपको क्लियर नहीं नज़र आता कि तकरीबन जो एक्साइज चीन का जो इलाका है तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा उसके कब्ज़े में है। इसी तरह से भारत ने एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया, इसी तरह से पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा हिस्सा है। तो तीनों के हम हिस्से मिलाएँ तो ये तीन हिस्सों में जो रियासत जम्मू कश्मीर है ये प्रैक्टिकली तकसीम कर दी गई है। इस रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा कि तीनों ताकतों ने जो जो उसके हिस्से में आया उसने उसको निगल लिया है। तो कहीं पे अभी कुछ बाकी है, को रास्ते बाकी हैं, सियासी रास्ते बाकी हैं, कहीं पे निगला जा चुका है। अब जो चीन के पास है उसका कोई तो क्लेम नहीं कर रहा, अब भारत ने जो कब्जा कर लिया है तो उसके ऊपर भी इंटरनेशनली कोई बड़ी डिबेट होती नज़र नहीं आ रही। अब रह गया पाकिस्तान के जो हिस्से में है तो पाकिस्तान इसके साथ क्या सलूक करता है या जो कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या सलूक करने देते हैं, ये एक मानी खेज है, ये एक सवालिया निशान है कि इस हिस्से के साथ। मैं सब छोटे छोटे 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत के मंसूबे और इरादों के मुताबिक लद्दाख जम्मू का इलाका भारत के पास चला गया, तिब्बत और चंद और सियाचिन के इलाके चीन के पास चले गए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को मिल गए। ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो क्या पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों इस तरह से अगर मामला फहमी से इसको कर लेते हैं तो फिर कश्मीर कहाँ गया? आज़ाद कश्मीर और वैली को मिला के क्या एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं? देखिए, जो जनरल मुशर्रफ का जो फार्मूला था वो तो यही था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत ने ना सिर्फ उस फार्मूले उस पॉलिसी के ऊपर अमल किया बल्कि उससे दो हाथ निकल के उसने वैली पे प्रैक्टिकली तो कब्जा कर लिया है। अब अगर वो नेगोशिएट आज़ाद कश्मीर और जीबी के ऊपर करेगा पाकिस्तान से कि ये इलाके मेरे हैं तो वो अब तो बहुत मुश्किल हो गया है कि वो वैली को छोड़ने के ऊपर या उसको डफर स्टेट बनाने के ऊपर भी राजी हो। ना सिर्फ उसने इस फार्मूले के ऊपर अमल किया बल्कि इससे आगे निकल गया। और पाकिस्तान अभी तक हमने ये देखा कि उस फार्मूले को ही लेके चल रहा है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए कई मरतबा पेशरफ्त हुई, जनरल बाजवा ने इसके ऊपर बड़ी कोशिशें की, उससे पहले की जो लीडरशिप थी उन्होंने भी बड़ी काविशें की। अब हमें ये इल्म नहीं है कि जो हाफिज़ साहब हैं इनकी इसके ऊपर क्या पॉलिसी है, लेकिन ये वाजे नज़र आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान आज ना से ही कल ना से ही परसों वो पाकिस्तान का सूबा बन जाएगा। जब वो सूबा बनेगा तो वो जनरल मुशर्रफ के फार्मूले पे अमल होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये रह गया कि आज़ाद कश्मीर के सेटअप का क्या होगा। ठीक है, तो बतौर कश्मीरी सहाफ़ी और इस सारे मामले के ऊपर दस्तरस रखते हुए और जो इरादे हैं पाकिस्तान और भारत दोनों के, इसमें आपको कितने फ़ीसद ये इम्कान लगता है कि आज़ाद कश्मीर और वैली के इलाके को मिला के एक ऐसी कॉलोनी बनाई जाएगी जो कश्मीरी उस इलाके में बसेंगे वो भारत और पाकिस्तान के तसल्लत में उनके साए में, इसको एक खुद मुख्तारी बेमनी सा नाम दे के तो रन करना चाहते हैं, ये हो सकता है ताकि इनको भी कमोडेट किया जाए? देखिए ना, ये उस वक्त तक ज़्यादा पॉसिबल था कि भारत उसको डफर स्टेट के तौर के ऊपर ही रखता, लेकिन भारत ने चूंकि तो वैली को भी अपने कब्जे में ले लिया, आईनी कब्जे में ले लिया, तो अब तो शायद भारत वैली के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करे, लेकिन पाकिस्तान को ये ज़रूर कह सकता है कि आप आज़ाद कश्मीर को एक डफर स्टेट के तौर के ऊपर बनाएं, हम कब्ज़ा नहीं करेंगे लेकिन आप इसको इस तरह से बनाएं और हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बना लें वैली के अंदर कि ये लोग फ्रीली एक दूसरे की तरफ आ जा सकें। लेकिन मुझे अब लगता नहीं है कि ये जो डफर स्टेट है वो भारत बनाने देगा वैली को, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है कि आप आज़ाद कश्मीर को एक डफर स्टेट बनाएं, इससे ज़्यादा वो पाकिस्तान को यहाँ पे इसको अपना सूबा भी नहीं बनाने देगा। लग यही रहा,
भारत ने जहां पे डफर स्टेट का, कश्मीर को डफर स्टेट बना दिया या बनाने जा रहा है, वहीं पे आजाद कश्मीर की सियासी क्यादत भी तो डफर ही साबित हुए ना फिर। देखिए, आजाद कश्मीर की सियासी क्यादत अब प्रैक्टिकली हम जिस तरह से देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ टाइम से, कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क्यादत प्ले कर रही है, जो रोल अदा कर रही है, वो इंतहाई नेगेटिव है। 5 अगस्त 2019 के बाद राजा फारूक कदर एक पॉपुलर आदमी थे, उनके पास वक्त था कि वो मौका था कि वो एक लीडर के तौर के ऊपर सामने आते, लोगों का इकट्ठा करते। लेकिन उन्होंने एक तकरीर की, उन्हें किसी ने कहा कि जी आप यहाँ से बरतानिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं और वहाँ पे जाके आप मसला कश्मीर को उजागर करें, तो वो वहाँ पे चले गए। उन्होंने वो मौका गंवा दिया और फिर एक सन्नाटा हुआ, एक मसलसल खामोशी हो गई। इसी तरह से जब ये वाला भारतीय सुप्रीम कोर्ट का और भारतीय पार्लियामान का जब उन्होंने कश्मीर को निगलने की आईनी कोशिश की, उसके बाद भी मौका था आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के पास, लेकिन इनकी निगाहें कहीं और थीं। ये मुंतज़र होते हैं कि हमें कहीं से हुक्म हो तो हम उसके मुताबिक चाल चलें। तो उन्हें मेरा ख्याल फारूक हैदर साहब को ताकतवरों ने कहा था, भाईजान बोलो कम सो ज़्यादा, और बेहतर है कि अमेरिका और बरतानिया चले जाओ। और वाकई 3 माह से ज़ायद वो यहाँ पे रहे। अब जब ये सारी हरकतें हो रही हैं तो इस सारे अमल में अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे, और इस सिलसिले में कब से झूठे मूठे और फ्राड के ऊपर मबनी एहतजाज शुरू होने लगे हैं? पहला एहतजाज सुना ज़िला कोटली से होगा। आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके ऊपर गुज़िश्ता दिनों जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ आज़ाद कश्मीर में गए, 2 रोज़ वहाँ पे रहे, वो उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी गए, वहाँ पे भी ख़िताब किया, और उसके बाद उन्होंने उर्रियत क़यादत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, कैबिनेट के लोग सब से उन्होंने मुलाकातें की, तवील मुलाकातें रहीं, और उसके बाद ये तय पाया कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक एहतजाजी तहरीक की काल देंगे, लोगों को हम उठाएँगे कि जी इस मसले के ऊपर वो इकट्ठे हों, और जो सियासी लीडरशिप है वो यहाँ से मैसेज भेजे दुनिया को कि वो भारत के इस फैसले को कबूल नहीं करते। ये तो एक जलसों की एक सीरीज़ यहाँ पे हमें होती नज़र आ रही है। लेकिन कृषि साहब, ये काम 2 साल पहले भी हुआ था कि इस्लामाबाद के अंदर भी तमाम आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें इकट्ठी हुई और इन्होंने जलसे जुलूस किए, और पाकिस्तान के मीडिया ने उसको कवर नहीं किया था। जी, और फिर मुजफ्फराबाद में जलसा हुआ और मुजफ्फराबाद के जलसे की एक खबर नहीं चलाई उन्होंने, और तीसरा हो ही नहीं सका था। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मुतमईन करने के लिए बात है कि आप अपने लोगों के सामने मुतमईन रहेंगे जी आपने जलसे किए थे। जब आप PTV समेत पाकिस्तान के मीडिया को इन रैलीज, इन प्रोग्रामों को कवर नहीं करने देंगे, तो फिर आप कौन सा मैसेज किसको दिलाने जा रहे हैं? तो होना तो ये चाहिए। हाँ, तो इस सारे अमल में मीर साहब, ये जो पाकिस्तान और भारत दोनों को गालियां देने वाले अच्छे बुरे और सच्चे नेशनलिस्ट थे, ये आज कहाँ खड़े हैं और आने वाले दिनों में क्या कर लेंगे वो? देखें, बदकिस्मती ये है ऋषि साहब के जो यहाँ की कौम परस्त जो सब नेशनलिस्ट तंजीम है वो इतने जड़ों में तकसीम है कि उन्हें एक दूसरे की समझ नहीं आती। पहली बात तो ये है, दूसरी ये है कि वो भी कहीं ना कहीं पे इशारों को देख रहे होते हैं कि हमें भी कहीं से इशारा आएगा तो हम भी कोई मूवमेंट चलाएंगे। तरफ से भी जो दीगर सियासी तंजीमें हैं वो, जिनमें आप मुस्लिम लीग नवाज को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, जमात इस्लामी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, तो तमाम सियासी जमातों के ऊपर सन्नाटा है। तो लग यही रहा था कि ये सारी जमातें कहीं से इशारा मिलने के इंतज़ार में हैं कि हमें कोई इशारा मिले फिर हम पब्लिक में जाएं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक ने भी इनको देख लिया है और बहुत बुरे तरीके से ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। मीर साहब, मैं बतौर कश्मीरी सहाफ़ी और आप भी ठहरे असल में मीर कश्मीरी हैं, क्या हम भी ये इशारा समझ लें कि जो कुछ हमने आज बयान किया यही अवाम भी समझ लें कि क्या होने जा रहा है? देखें, बहुत बारीकी के साथ तो अवाम को किसी ने शायद बताया भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या गया है, कि जिस मसले को गुज़िश्ता 75 साल से कश्मीरियों की तीसरी और चौथी नस्ल लेके आगे बढ़ रही थी, तो उनके साथ क्या हुआ? क्या आज़ाद कश्मीर के तकरीबन हर गांव से
गाँव में वो कब्रें मौजूद नहीं हैं या वो घराने मौजूद नहीं हैं कि जिन्होंने मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी में कुर्बानियाँ दी? क्या लोग वो भूल गए हैं कि जो फैमिलीज माइग्रेट हुई, तो जी जो पिछले हमारे रह गए, तो उनमें कितने शोधा हैं जिन्होंने अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी? मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के आम लोग भी ये बात नहीं बोलते, उन्हें भी ये एहसास और इदराक है, और मकबूजा कश्मीर के लोगों को। मीर साहब, अगर पाकिस्तान और भारत ने दो रियासतें होते हुए, आठवीं कुव्वतें होते हुए अगर फैसला कर ही लिया है कि ऐसे करना है कश्मीर का मसला हल, तो इसमें आर पार की क्यादत और कश्मीरी जो हैं वो आखिर क्या कर सकते हैं? देखिए कुरैशी साहब, पाकिस्तान से कश्मीरियों को अब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके बावजूद भी बहुत से मिसाइल हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के भी मिसाइल हैं और उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों को पाकिस्तान को ना सिर्फ कन्विंस करना चाहिए कि वो इनका साथ मुसलसल देता रहे, बल्कि पाकिस्तान की मजबूती के लिए भी जो कश्मीरी हैं जो काम जो रोल प्ले कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, चूँकि आपका जो वकील जो है वो जब तक मजबूत नहीं होगा तो आपका केस मजबूत नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ कश्मीरियों के कुछ अपने भी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि कुछ अपने भी फ़राइज़ हैं कि आप को सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर का खत्ता अपने मफादात के लिए नहीं मिला हुआ कि आपने अपनी जायदादें ही बनानी हैं, अपनी नस्लों को ही संवारना है। हमें इस वक्त फोकस ये करना चाहिए, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, सियासी जमातें हैं, कि हमें न सिर्फ अपने मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि जो हमारा ओवरसीज़ का जो तकरीबन 8.5 लाख का जो डायस्पोरा है उसको भी मुतारा करने की ज़रूरत है। इसलिए कि कुरैशी साहब, आपने देखा है, आप बरतानिया में रहते हैं, कि सिख मूवमेंट को भारत ने दबा दिया था, लेकिन सिख मूवमेंट भी पूरी दुनिया में उसने एक दोबारा से उरूज पकड़ा है। किस बुनियाद पे उरूज पकड़ा? उनके डायस्पोरा ने और उनके मीडिया ने, जो उन्होंने मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। तो कश्मीरियों को ये चाहिए मजमूई तौर पे कि अपना जो केस है इसको का कंटेंट जो है वो बेहतर करें, अपने मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इसको इस हद तक पावरफुल करें कि इंटरनेशनल जो मीडिया है वो आपसे लाइन ले, वो आपकी बात के ऊपर तवज्जो दे। इसी तरह से जो हमारा जो डायस्पोरा है, बहुत एक्टिव डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके ज़रिए से वैसे ही काम करने की लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जो सिख कम्युनिटी है वो अपने कॉज के लिए अपने डायस्पोरा से काम लेती है। तो मेरा ख्याल है उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, जो लोग हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे मकामी तौर पे अपनी लीडरशिप को प्रेशराइज़ करने की भी ज़रूरत है, अपने MLAs को, अपने बुजुर्ग को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी सियासी जमातों को इसके ऊपर लाने की भी ज़रूरत है। इसी तरह से जो दीगर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम भी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जिन तहरीकों के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हों, तो वो कुछ ताकतवरों के मिल बैठने से वो तहरीकें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। काशिफ मीर साहब, बहुत शुक्रिया इस मौजू के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में भी हम मजीद नशिस्तों का जो है वो इंतहाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।